अगर आप भी इस प्रकार के 3 बटन वाले कूलर की वायरिंग करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको डायग्राम के साथ बताया कि आप किस प्रकार से इसकी वायरिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको मेन मोटर की वायरिंग जिसमें स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, पंप की वायरिंग और स्विंग की जो वायरिंग है इन 3 बटन के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ये जो डायग्राम है जो कि आपके सामने, तो यहाँ पे ऊपर 3 बटन मैंने यहाँ पे बना लिए, जिसमें आपको बटन पर लिखा हुआ मिलता है L, फिर उसके बाद 1, 2, 3 और इसी प्रकार से 3 को मैंने यहाँ पे बना लिया, जहाँ पे मेन मोटर स्विंग और पंप की बटन है। और साथ में यहाँ पे मैंने मेन केबल, यहाँ पे पानी का पंप लिया है, स्विंग मोटर लिए और यहाँ पे मेन मोटर लिए। अब इसकी वायरिंग कैसे करनी है वो यहाँ पे मैं आपको आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जो 2 बटन मिलते हैं, एक तो स्विंग और एक जो पंप का, इनका जो 1, 2, 3 लिखा हुआ है, इन 3 को आपको जोड़कर एक कर लेना है, मतलब 3 पर आपको वायर लगाना है। 1, 2, 3 3 पर आपको वायर लगा के 3 का जॉइंट एक कर लेना है, क्योंकि ये एक हटके से काम करने वाले हैं। अब इसके बाद आपके पास जो केबल है उसका एक वायर लेके L पे लगाना है, दूसरा भी लेकर आपको जो दूसरा खटका है उसके L पर लगाना है, और तीसरा वायर भी, जो तीसरे खटके का जो वायर है उसको भी इस वायर के साथ जोड़ लेना है, मतलब L को आपको इसका जो ब्लैक वायर है उससे जोड़ लेना है। अब इसके बाद पंप का जो वायर है वो यहाँ पे आपने जहाँ पर 3 वायर को एक किया था वहाँ पर लगाना है। उसके बाद स्विंग मोटर का जो वायर है उसको भी आपको इस प्रकार से लेके यहाँ पे जो बीच वाला खटका है उसका जो 1, 2, 3 है उसके साथ में आपको जोड़ लेना है। अब इसके बाद आपके पास जो मेन मोटर है जिससे कि आपको हवा मिलती है, तो उसका जो ब्लैक वायर है वो आपको 3 पर लगाना है। उसके बाद जो वाइट वायर है वो आपको 2 पर लगाना है। उसके बाद जो रेड वायर है वो आपको 1 पर लगाना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसकी जो वायरिंग है वो सही से करने के लिए यहाँ पे आपके पास मेन मोटर का ब्लू वायर रहता है उसको यहाँ पे लेना है, उसके बाद स्विम का एक वायर लेना है, उसके बाद पंप का एक वायर लेना है। अब इन 3 वायर को लेकर आपको जो मेन लाइन है उसकी जो एक वायर रहता है उसके साथ आपको जोड़ लेना है, जिससे कि आपकी जो कूलर है जिसमें 3 बटन लगते हैं उसकी जो वायरिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब यदि आप अपने स्विच दबाते तो वो अलग अलग काम करेंगे। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।